अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज मैंने लिए थे जी कप। वो भी अपने मुंह से बड़े। क्या ये देखे, कहाँ मेरे मुंह से बड़े हैं, छोटे छोटे तो हैं। मैं दरअसल वापिस आ रही थी मदरसे से जी, मुझे ये कप नज़र आया, मैंने कहा अपने लिए ले लूँ। और मुझे जब भी कोई कप अच्छे से प्यारे से नज़र आ जाए तो बस समझ ले उनकी खैर नहीं है। खैर नहीं, और जल्दी टूटते भी बहुत जल्दी हाँ, हैं। बहुत जल्दी टूट जाते हैं, यकीन माने। ये पता नहीं कितने कप आती हो ना जिस रास्ते से, कप भी वो वाली दुकान है वहाँ है, और वहाँ हमेशा कप मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आओ और मुझे ले जाओ। और आप सब बहन भाइयों ने बताना है जी ये कप प्यारे हैं कि नहीं। शौकत, आपको प्यारे लगे हैं कि हाँ, नहीं? मुझे तो अच्छा लगे। और ये रेट थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन मैंने अंकल को कहा अंकल जी थोड़े कम कर दें, तो उन्होंने कहा चले ठीक है। क्योंकि ये अक्सर वहां से ही लेती है, तो इस वजह से थोड़ी सी आ कर जाते हैं इसकी। हाँ, आधे उनको पैसे दिए, आधे मैंने कहा बाद में दे दूंगी, सारे पैसे नहीं क्योंकि दिए? नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कम थे, तो लिए कितने लिए मैंने वो 450 के कह रहे थे। मैंने के? कहा नहीं अंकल जी, चलो। उन्होंने फिर कहा 350 के, मैंने कहा अंकल जी 300 नहीं, 300 लगाए। फिर अच्छा, फिर उन्होंने 350 नहीं लगवाए, उन्होंने कहा जी ठीक है आपके कहने पर लगा देता हूँ, लेकिन अभी आपने मुझे 50 रुपया और देना है। दिए दे कितने? अच्छा, दिए मैंने उनको 300 है। अच्छा, 50 रुपये उधार। अच्छा, ये दार में उतारूंगी, आप उतारेंगे? आप उतारोगे ना, क्योंकि कभी आपके हैं ना। अच्छा चलें ठीक है, आपने इसमें चाय नहीं पीनी। ठीक हो गया, बने रहे जी साथ। और आपको जो है ना, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पकाने के लिए कुछ लें? हाँ चलते हैं, तो आप अभी भाई जा रही है ना, ऐसा करें ये चूल्हा मुझे ठीक करवा दें। चूल्हा शुल्ला के अब चक्कर में पड़ा, तो फिर मैं चूल्हे का कह रही हूँ, आपको कोई कल करा दूंगा, फिर किसी और दिन। एहसास किया करें, मेरा धो धो के बर्तन काले, ये देखें मेरे हाथ कितने काले हो चुके हैं, वाइट तो है। वाइट नहीं है, आपको ये वाइट लगती है मुझसे पूछिए। ये इसका हाथ देखें, ओहो, ये ये देखें, ये इतनी काले कैसे का? वो लकड़ियों पर बंदा पका रहा होता है, ये काले शाह हो रहे हैं बर्तन, इनको मांज मांज के ना मेरा हाल बुरा हो गया। आपका क्या जाता है, अच्छा, अभी निकालो आप जा रही हैं तो मुझे ठीक करवा निकालो दें। निकालो निकालो निकालो। बर्नल का पैप उतार लिया है जी, अब इसे जो है ना बांधना पड़ेगा, ऐसे हाँ गैस लीक होती इधर इसका रहेगी। वाल तो नहीं है, ये आप बांध दें, ये जरा कस के बांधना, ये गैस लीक ही ना होती रहे आपके साथ हो, ये ऐसे सही वो करके बांधे। ये हमारा इधर वाल नहीं लगा जी, ये ड्रैक उधर से पैप आया, क्योंकि हमारे घर हमने में गैस किसी से मांगी है जी, साथ घर वाले, इधर गैस वाला मीटर शीटर नहीं है, बस गुजारे कर रहे हैं। तो वो इसलिए ये इधर वाल वगैरह नहीं है, सिर्फ ड्रैक पैप आया हुआ है। चूल्हे को ठीक कराते कराते जो है ना, हम इस टाइम पहुंच गए हैं ढोक खब्बे में, क्योंकि अक्सर हम जो है शहजाद भाई के पास आते हैं, एयरपोर्ट का इन्होंने सामान रखा होता है। ये देखें एयरपोर्ट का, ये केक वगैरह है बच्चों के लिए, ये मक्खन वगैरह शायद, और ये भी छोटा मक्खन की, ये क्वाब आ गए हैं, और ये कैचअप आ गई है। और ये टॉफियाँ वगैरह हैं, ये बंद बर्गर वगैरह, और ये चॉकलेट वगैरह। तो अक्सर हम इधर से लेके जाते हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। शिदात भी क्या वजह है? ये दो तीन कॉन्फ्रेंस आ रही थी। किसकी कॉन्फ्रेंस? ये तो वजीर आए थे। हाँ, अभी भी इतना ही रात के रंग नहीं, ये कॉन्फ्रेंस के बारे में सामान तो मेरा सामान ज्यादा हो गया। तो शिदात भाई, ये टाइम टेबल क्या है आपका? टाइम मेरा शाम को 5 रात 9 बजे तक। तो माल निकल जाता है ये सारा? हम जब भी आते हैं जी, यहाँ भीड़ होती है, तो हमने तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा यहाँ वेट किया है। हमने कहा भीड़ ख़त्म हो तो इनकी वीडियो बनाएं, वैसे जो है ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लेडीज़ यहाँ इनके पास ज़्यादा आती हैं, तो इस वजह से। अभी हमने ये कबाब लेने हैं, कबाब ले लें ये। शिदात भाई, ये कबाब कौन से हैं, चिकन या दूसरे? बीफ हैं। और ये कितने का पैकेट लगाया हुआ है? 100 रुपये पाव का है। ले लिया? हाँ जी। क्या लिया? ये केक लिए हैं चाय के साथ, आप तो लेके लेने, मैंने कहा इधर से ज़्यादा कि रेडी बनाई हूँ फायदा उठाऊँ। चलें, और तो नहीं कुछ लेना? और लेना है अभी, यही खत्म हो गया, ये पड़े हुए, ये कह रहे बिक गए, ये किसी ने ले लिए सारे इधर।
कोई चीज बचती भी है? हाँ, इधर इनकी चीज रोज ही खत्म हो जाती है, रोज आती है जी। रश इधर बहुत ज्यादा, अभी भी लेडीज इतनी ज्यादा हो गई है जी, तो बस लेडीज की बहुत ज्यादा होती है जी। तो चलो शुक्र, हमने चूल्हा भी ठीक कराना है, वैसे नजानों को भी टाइम हो गया। चले ठीक, चले। आखिर हमें चूल्हों वाली दुकान मिल गई है, वो पीछे भाई ने शोर डाला हुआ है, झंडे से आए भाई, अभी ठीक कर दो। ये बहुत बर्तन काले करता है भाई। साहिबा को तो कुर्सी दे के बैठा दिया ने, मैम बना के कहते हैं जी मैडम बैठे, आप चूल्हा आपको ठीक करके दे देते हैं। पहले कह रहे थे आप 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन हमने कहा हम दूर से आए हैं, वैसा करें आप अभी ठीक कर दें, तो वो फिर ठीक कर ले। जी ठीक, तो बस ठीक है, रख ले सर, कोई मसला नहीं है, शापिर में डाल लो बस। तो भाई जान ने तसली दी है जी, आप जो है ना ये बर्तन को काला नहीं करेगा, ये हमारे बुजुर्ग भी आ गए हैं, ये हमारे तो तलक बेस वाले निकले हैं, इन्होंने कहा है कि जहाँ से आप आए हैं मैं उधर, इतना कितने अरसा चाचा लाया ना उसे, 6 साल काम किए, देख लें हमारे मोहल्ले में 6 साल इन्होंने काम किया, तो चले आगे। देखें जी हम इस टाइम काले रोड हिंदो की मार्केट में खड़े हुए हैं, टाइम बहुत हो गया जी, रात का टाइम हो गया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पकाया, तो फिर शौकत कहते हैं यहाँ से ही कुछ पका पकाया ले जाते हैं। मेरा दिल है कि सेवर फूड ले लें, और पकाने का टाइम तो बचा नहीं है, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो यहाँ से पार्सल ले जाएंगे तो खा जाएंगे। गाड़ियों वाले बेचारे खड़े हैं, और बाइक वाले देखें जी अपना रास्ता फिर भी बना लेते हैं। सारा रास्ता बंद हुआ है जी, ये आ गया सेवर फूड। तकरीबन 7:45 हो गए हैं, जाके बनाना करना ये हमें मुश्किल लग रहा था, भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, फिर इन्होंने कहा चलो यहाँ से चावल ही ले जाते हैं, बच्चों को भी चावल बना देंगे। जी थक हार के अभी घर पहुंचे हैं, तो मैंने कहा पहले खाना खा लें, अभी ये देख लें जो खाना हमने साथ लाया था वो डाला है चावल प्लेटों में, और यकीन माने लोग कहते हैं काम करने से बंदा थक जाता है, कभी कभी बंदा बैठ के किसी का वेट करके भी बंदा थक जाता है, और हम उधर सिद्धार्थ भाई की रेड़ी पर भी काफी देर खड़े रहे हैं, उसके बाद जब रास्ते में वापसी था मामा आए चूल्हा ठीक करा के, ट्रैफिक इतनी थी, रोड ब्लॉक हुए थे, इतनी देर रोड ब्लॉक रहे, यकीन माने थक गई थी उधर बैठ बैठ के, फिर बाज लोग फुटपाथ के ऊपर से ही बाइक, हम खुद बाज लोग क्या, हम खुद फुटपाथ के ऊपर से बाइक को चढ़ा के तो अपनी मंजिल तक पहुंचे, गुजर जाती है, और ये जो गाड़ियां वाले होते हैं इन बेचारों को क्या, इन बेचारों का बड़ा देर में कहती हूँ वेट करना पड़ता है, तो पता नहीं मैं कहती इतनी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से जाती है, वो रोड जो है ना वैसे ही भरा रहता है ट्रैफिक से, तो बस आज के लिए प्यारे बहन भाइयों इतना ही, और जिस बहन भाई ने खाना खाना है तो आ जाए हमारे साथ खाना खाएं जी। हलीमा आ रही है, हलीमा नानो घर से आ रही है, हलीमा के लिए भी जो है ना वो राइस लेके आए हैं साथ, हम रख दिए हैं जी उसके लिए, मैंने उसके हिस्से के रख दिए हैं, तो हमें बहुत सारी भूख लगी थी, हमने काम शुरू करें ये ले, तो आप सब बहन भाइयों से ज्यादा चाहेंगे वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें, और हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।